अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मॉम्स व्लॉग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लंच का टाइम है और मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल्स विद कीमा, मटर की आलू और कीमा मैं बना रही हूँ। तो बहुत मज़ेदार बना था ये, और तकरीबन डन ही है। तो कभी कभी हैवी भी खा लेना चाहिए, मज़ा आता है। तो ये देखें, ये ऑयल इसका सेपरेट हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने इसकी रेसिपी आई थिंक मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है। तो और ये चिकन नगर्स थे और ये चिकन पीसेस हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी। और ये चिकन नगर्स लॉलीपॉप्स हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे टेस्टी लगते हैं बच्चों के लिए, अच्छा वो कैरी कर लेते हैं और स्टिक होती है उससे पकड़ लेते हैं। और ये ड्राई आलू बुखार है, इसे मैं चटनी के तो में भी यूज़ कर लेती हूँ, और वैसे भी अगर खाऊँ मैं वैसे भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, वैसे भी खा लेती हूँ। तो अच्छा मुझे मज़ा आता है खट्टे खट्टे खाने का ना, मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा। और ये फुल मुर्गी है पीस, मैंने इसके पीसीज नहीं करवाए थे, इसको बस मैंने साबत ही पूरी करवा लिया था कट। तो ये राउंड शेप में है। ये भी चिकन नगेट्स हैं, और दो इसके पैकेट्स थे और दो लॉलीपॉप्स के पैकेट्स थे। तो ये स्नैक्स के तौर पे मैं ले लेती हूँ और इब्राहिम को भी दे देती हूँ। और पता है आपको, बच्चे तो ये शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि रोटी वगैरह तो अगर ना भी खाएं तो फिर वो ये खा लेते हैं। तो मैं ये दे देती हूँ। और ये फिर हम गए थे, ये वॉलमार्ट से हमने ग्रॉसरी करनी थी, तो रास्ते में ये एक शॉप थी और सेल लगी हुई थी, हमने सोचा कि चले हम भी यहाँ पे विज़िट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो थी तो सेल और काफ़ी ज़्यादा रश था, तो जब हम पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी चीज़ें। और ये एडिडास पे भी ब्रांड पे भी लगी हुई है सेल, तो एक तो चीज़ें भी अच्छी नहीं थी डिज़ाइन वाइज, क्वालिटी वाइज नहीं मैं कह रही, डिज़ाइन और पसंद नहीं आया, और एक्सपेंसिव भी थी उन चाइनीज़ के हिसाब से तो नहीं थी। ये हुड वगैरह हैं लेडीज़ के थे, और शर्ट्स वगैरह और ट्राउज़र काफ़ी अच्छे मज़े के लग रहे थे। तो ये कि जो पैंट्स वगैरह या कुछ पहनते हों वो तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये समर का था कोट, ये काफ़ी प्यारा था, ये 1250 युआन का था, और पाकिस्तानी अगर मैं उसको मल्टीप्लाई उससे करूं तो तकरीबन ये 24-25 हज़ार पाकिस्तानी था। तो मैंने तो वापस इसको हैंग कर दिया। तो ये बैग्स वगैरह भी थे, तो ये मेरे अभी देख रहे थे। क्वालिटी वाइज अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छी प्राइस पे है, बट काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो हमारे हिसाब से तो मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं फिर वो उससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ कि नहीं पाकिस्तान में ये इतने की बनती है, इतने की बनती है। तो मेरे हबीब मुझे कहते हैं कि जब हम करेंसी यहाँ की ले रहे हैं तो फिर तुम्हें वहाँ की ज़रूरत नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई उसके साथ करो पाकिस्तानी पैसों के रुपीज़ के हिसाब से। तो वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम कभी वहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें, ठीक है एक हद लिमिट तक ही हम लेते हैं। तो अगर मैं 20-22 हज़ार की एक जस्ट एक शर्ट लूँ तो वो तो मैं बिल्कुल ही ना लूँ। तो 20-22 हज़ार में तो मैं अच्छी वाली शॉपिंग कर लूँ। खैर ये तो एक जस्ट मजाक था। तो अब मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट, मुझे ग्रॉसरी करनी थी। मैं मंथली नहीं करती, मुझे जितनी नीड होती है मंथली भी कर लेती हूँ बड़ी बड़ी चीज़ें, ऑयल वगैरह जैसे हो, साबुन और कुछ इस टाइप की चीज़ें अगर मैंने लेनी हो तो वो मैं ले लेती हूँ। फिर मुझे अगर वीकली या कुछ जब नीड होती है फिर मैं आ जाती हूँ, इजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आ गई हूँ वॉलमार्ट। तो ये इन्होंने एंट्रेंस पे ही डिस्प्ले किए हुए थे ज्वेलरी है, ये वाइट गोल्ड है और ये
गोल्ड है और काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। वॉलमार्ट तो वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वालिटी तो अच्छी है, बट बाज़ार की निस्बत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बाकी जो लोकल मार्केट्स होती हैं और मॉल्स होते हैं उनकी निस्बत अगर मैं कहूँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे चीज़ें। तो नीड की चीज़ें तो हम यहाँ से ले जाते हैं क्योंकि फिर ड्यूरिंग स्टडी और काफ़ी ज़्यादा वो ना एक रूटीन से हट के फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो हस्बैंड तो यहाँ से ही ले जाते हैं। और ये इनके जो वो जैसे हमारी ग्रीन टी वगैरह होती है, लेमन ग्रास वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये ऐसे यूज़ करते हैं। और ये हर मंथ में इनके ये चेंज होते हैं, ये पानी में इस तरह ही पीते हैं, ये जैसे सादा पानी होता है वो यूज़ नहीं करते। ये इसमें ये ऐसे इनके ये फ्लावर्स वगैरह होते हैं और हर मंथ ये चेंज हो जाते हैं। अभी इनके सीज़न मौसम के हिसाब से अभी ये वाला है, और ये इससे इनका कहना है कि यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा इनकी सेहत अच्छी रहती है। और हाँ वाकई सेहत तो इनकी काफ़ी अच्छी है, माशाल्लाह एक्टिव हैं। और पाकिस्तानियों की तो अगर मैं जिससे अगर कहूँ तो इस एज में जितनी चाइनीज़ की लेडीज़ की एज होती है, तो पाकिस्तानियों में तो लेडीज़ की तो बेचारों की वो इस एज पे तो बिस्तर पे पड़ी होती हैं, और इन्होंने तब भी अपने आप को इतना फिट रखा है, इनकी डाइट इतनी अच्छी होती है और ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जबकि हम काफ़ी ज़्यादा ऑयली यूज़ करते हैं चीज़ें और स्पाइसी वगैरह और स्टमक का प्रॉब्लम। और आजकल तो बच्चे बच्चों को स्टमक का प्रॉब्लम है, तो बस खुराक पे डिपेंड करता है कि अच्छी हो या चाहे थोड़ी ये बॉयल खाते हैं। और ये अब मैं आ गई हूँ ऑयल सेक्शन में, तो ऑयल मैंने लेना था, ये ऑलिव ऑयल मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करना था, मुझे काफ़ी दिल कर रहा था कि मैं ऑलिव ऑयल लूँ, तो इससे पहले तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये ग्रेट वैल्यू का है प्योर ऑलिव ऑयल, तो एक्स्ट्रा वर्जन आई थिंक यूज़ होता है तो कुकिंग वगैरह में, तो मैंने एक्स्ट्रा वर्जन ही बाई किया था। तो मैं चेक कर रही थी कौन सा अच्छा है, ग्रेट वैल्यू का अच्छे अच्छी कंपनी है, अच्छी टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा था। मैं लेके आई थी तो मैंने तो 500 ml की बोतल ली थी, तो ये पास्ता सॉसेस वगैरह हैं सब कुछ, और यहाँ से मुझे पास्ता बाय करना था और काफ़ी वैरायटी में था पास्ता। और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी में चीज़ें थी, वो तो ऐसा है ना कि जो भी चीज़ देखें बंदा दिल करता है कि ले लें ले लें, मगर जो जो नीड हो वो फिर उसी हिसाब से फिर लेना पड़ता है। तो ये अब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में है। और ये स्पैगेटी है, स्पैगेटी ये होता है कि छोटा बच्चा है मेरा, वो उस कैरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसको मैं स्लांटी टाइप इस टाइप की ले देती हूँ चीज़ें। तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट वाइज मुझे ठीक लगते हैं, बट वो मेल्ट जब होता है फिर वो उसके ज़र्रे ज़र्रे मुँह में आते हैं, वो थोड़ा मुझे इरिटेट करते हैं। और ये मैं आ गई हूँ कि अच्छे सेक्शन में, ये न्यूट्रेला चॉकलेट और हर इधर ये क्रीम है नेस्ले की, यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी में थी और चीज़ें तो मिल तो जाती हैं, बट हलाल नहीं थी इस वजह से मैंने ली नहीं है। तो ऑनलाइन मिल जाती हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं क्रीम लूँ बट ये हलाल नहीं थी, तो फिर मैंने इसलिए ली नहीं। और ये लेमन जूस है, मैं तो फ्रेश ही यूज़ कर लेती हूँ बनिस्बत अगर मैं ये बॉटल्स वगैरह को देखूँ, टेस्ट वाइज भी शायद फ़र्क होता हो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, तो मैं फ्रेश ही यूज़ कर लेती हूँ। और ये केचप्स वगैरह वो मैं जैम वगैरह हैं, और ये समर का स्टफ़ अब आ गया, ये देखिए नेट के शर्ट्स हैं, ये शॉर्ट शर्ट्स हैं और काफ़ी अच्छा स्टफ़ स्टफ़ के हिसाब से भी कहूँ अगर डिज़ाइन के हिसाब से भी, तो मैंने तो कभी इतनी शॉर्ट शर्ट्स यूज़ नहीं की। और ये श्रग्स हैं, ये बच्चों के शूज़ देखें ये कितने प्यारे हैं, ये न्यू बॉर्न बेबी के आई थिंक, तो ये काफ़ी अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। अगर देखा जाए तो लड़कियों की चीज़ें बनिस्बत लड़कों की काफ़ी अच्छी होती हैं, वैरायटी भी डिज़ाइन वाइज भी अगर कहूँ काफ़ी ज़्यादा फैंसी और अट्रैक्ट करती हैं लड़कियों की चीज़ें।
तो लड़कों की तो बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, और बस वो उन्हें, और लड़कों को तो वैसे शौक होता है बस ग्लासेस वॉच का और कैप वगैरह ले दें या पेंट शर्ट बस, और लड़कियों को तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेने का काफ़ी शौक होता है। खैर अब ये मैं आ गई हूँ घर और आपके साथ ग्रॉसरी शॉप अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। ये डिस्पोजेबल ग्लास थे, ये मैंने बाई किए थे, और ये केचप्स हैं, ये दो मैं लेके आई थी, ये टोमेटो केचप्स हैं और ये एक चिली टोमाटो, एक चिली सॉस है, टोमेटो चिली सॉस, ये सॉल्ट है, दो पैकेट्स मैं लेके आई थी, और ये पास्ता मैं लेके आई हूँ, पास्ता मैं लेके आई थी, और ये होता है कि बच्चे को ना आराम से वो खा लेता है फिर उसे कैरी करना। ये स्पेगेटी का एक पैकेट लेके आई थी, निपल लेके आई थी, और ये फॉयल शीट लेके आई हूँ, और ओलिव ऑयल लेके आई थी, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, और अच्छा रहा मुझे टेस्ट वाइज अच्छा लगा। और ये बिस्किट्स हैं मेरे हब्बी जो हैं चाय के साथ लाजमी खाते हैं, और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मुझे खुद काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स के तौर पे मैं बिस्किट्स वगैरह काफ़ी मैं खाती हूँ, और मीठा वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। ये डाइजेस्टिव बिस्किट हैं, ओरियो और फ्रेंजी, ये बिस्किट्स लेके आई थी इब्राहिम के लिए, और ये स्टिक्स थी, चॉकलेट स्टिक्स थी तो मैं ये लेके आई थी, और ये ऑयल है सोयाबीन ऑयल, और ये मैं कॉकरोचेस के लिए लेके आई हूँ, और ये किचन क्लीनर है, किचन को मैंने क्लीन करना था तो टाइलें वगैरह, और ये मिस्टर मसल है, ये वॉशरूम के लिए लेके आई हूँ मैं, और ये डायपर हगीज़ के हैं, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा और काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छे हैं ये पैम्पर्स के, अगर पैम्पर भी ठीक हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।